हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज जो मैथ्स का पेपर हुआ है, एक बार हम उसके आंसर्स देख लेते हैं, जिससे कि आप ये एक बार को देख लें कि क्या आपका आंसर सही है और आपने कितने क्वेश्चन मैथ्स में सही किए हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे वीडियो फॉलो किए होंगे तो आई एम श्योर आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। हमने जितना भी आपको पढ़ाया उसमें से काफ़ी कुछ आपसे एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो चलिए, जो क्वेश्चन 91 है, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा हमारा 12। अब क्वेश्चन नंबर अगर हम 92 की बात करें, 7 + 2 √10 का वर्गमूल कितना होगा? तो इसका आंसर हमारा आएगा √2 + √5। इसी तरीके से अगर हम और नीचे जाएं क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो सांख्यिकी में प्रसरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय था, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? लाप्लास। और क्वेश्चन नंबर अगर हम 94 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 94 का हमारा आंसर आएगा, इसमें देखिए आपसे क्या कहा गया है कि किसी संख्या का 60% का 3/5 भाग 36 है तो वह संख्या होगी। तो इसका आंसर आपका आने वाला है, हम इसका आंसर यहाँ पे देखिए निकाल भी सकते हैं अगर हम इसको निकालना चाहें। देखिए हमको कैसे निकालना है, 60% दिया है हमें, परसेंट दिया, तो मतलब हम इसमें नीचे क्या कर सकते हैं, 100 लिख सकते हैं हम यहाँ पे। अब क्या कह रहे हैं, किसी संख्या का, तो हम वह कौन सी संख्या मान लेते हैं, मान लीजिए वो संख्या हमारी कौन सी है, एक्स मल्टीप्लाइड बाई कितना आएगा, 3/5 बराबर किसके है, 36 के। तो देखिए अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो हम इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 5 से 60 गया तो कितना आया यहाँ पे, 12, और 12 × 12 = 24 और 12 × 3 = 36, ये कितना आ गया यहाँ पे, 3, और हमने क्या किया, 3 से ये 3 कट गया, तो x की वैल्यू कितनी आई, 100, तो इसका आंसर आएगा 100। अब हम बात करते हैं कि पाई क्या है। तो फ्रेंड्स, पाई जो है वो क्या है, एक रैशनल नंबर है। हमने आपको रैशनल इरेशनल नंबर्स बताए थे, उन्हीं में बताया था। चलिए अब हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे। इस वाले क्वेश्चन का आपका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 2। इस वाले क्वेश्चन का आंसर है 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए, इनको क्या बोला गया, इन सभी संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। हमने आपको इकाई दहाई सब पढ़ाया था, तो उसमें आपको पता लग जाएगा इकाई का अंक मतलब जो लास्ट वाला नंबर आ रहा है वो, तो इसका आंसर हमारा कितना होगा, 4। अब नेक्स्ट पेज में अगर हम बात करें, तो देखिए यहाँ पे आपसे क्या कहा गया है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले महत्तम एलसीएम और एससीएफ की बात की हुई है, और हमने आपको एलसीएम और एससीएफ दोनों ही बहुत अच्छे से पढ़ाए थे, तो उनके थ्रू आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए 99 में क्या दिया गया, एक शिक्षक ने ब्लैक बोर्ड पर लिखा 29 × 4 ज्ञात कीजिए, विद्यार्थी ने उसका आंसर क्या दिखा, किसके थ्रू निकाला, 27 × 4। अब देखिए शिक्षक के द्वारा विद्यार्थी को 0 अंक देने चाहिए, उस विद्यार्थी से कक्षा में सतर्क रहने को कहकर 0 अंक देने चाहिए, उस विद्यार्थी को 5 अंकों में से 2 अंक देने चाहिए, यह कारण जानने का प्रयास करना चाहिए कि विद्यार्थी ने प्रश्न को गलत क्यों उतारा, उसे सही प्रक्रिया से पूरे 5 अंक देने चाहिए, तो इसका आंसर मेरे हिसाब से तो इसका आंसर 4 होना चाहिए। अब इसी तरीके से देखिए आप आगे के क्वेश्चंस को देखिए। अब ये क्या दिया गया, ये संख्या दी हुई है, इस संख्या में से आपको
क्या बताना कि ये बताना कि 11 से विभाज्य होगी और बीच का एक नंबर बताना। तो फ्रेंड्स हमने आपको 2, 3, 4, 5 से विभाज्य के संख्या का बताए थे नियम। इसमें अगर हम 5 रखेंगे तो ये संख्या 11 से पूरी के पूरी विभाजित हो जाएगी। उसके बाद 20वीं सदी वाले में आंसर हमारा आर्यभट्ट आना चाहिए। अब दो संख्याओं में से जो 104 नंबर वाला क्वेश्चन है इसका आंसर कितना आएगा, 14 और 5। इसी तरीके से अगर हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी प्राकृतिक संख्या का प्रत्येक अंग या तो 3 या 4 या दोनों से विभाजित हो तो वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, 444। अब पंचभुज के सभी अंताकोणों का योग कितना होता है, इसका आंसर कितना होगा, 360। आगे के क्वेश्चंस को देखिए, देखिए यहाँ पे क्या दिया, ए और बी ने किसी काम को 12 दिन में किया कर सकते हैं, बी और सी 15 दिन में, सी और ए उसी काम को 20 दिन में, तो ए अकेला कितने दिन में पूरा करेगा, तो ए अकेला 30 दिन में पूरा कर लेगा इस काम को, तो इसका आंसर कितना आएगा हमारा, इसका आंसर आएगा हमारा 30। अब 111 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये मैंने आपको पढ़ाया था और ये वाला पॉइंट्स भी मैंने आपको उसमें बताया था, तो इसका आंसर कितना होगा, बी डी ई एफ का क्षेत्रफल हाफ ए बी सी के क्षेत्रफल के बराबर होगा। अब देखिए यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 और 36 है तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर कितना होगा, तो इसका आंसर हमारा कितना आएगा, 5/36। अब देखिए क्या दिया, किसी दो अंकीय संख्या के अंकों का गुणनफल 6 है, उस संख्या में 9 जोड़ने से प्राप्त संख्या में अंकों के स्थान बदल जाते हैं, वह संख्या क्या होगी, तो इसमें कुछ नहीं करना था आपको, आपको कोई दो नंबर्स ले लेने थे जिनका गुणनफल कितना हो रहा है, 6, और उनमें हमको क्या देख कर लेना था, उसमें हमको 9 जोड़ लेना था और जो भी हमारा आंसर आएगा उनको हम आपस में कन्वर्ट कर देंगे। तो मान लीजिए हमने क्या किया, हमने 2 और 3 ले लिए, 2 और 3 का गुणनफल कितना होता है, 6 होता है, और उसमें हमने 9 जोड़ के हमने उनको देख लिया, तो इसका आंसर हमारा कितना आएगा, 4/23। अब देखिए किसी आयत चित्र में आयत की ऊंचाई दर्शाती है, तो इसका आंसर क्या होगा, फ्रिक्वेंसी ऑफ क्लास, ब्रेथ ऑफ क्लास, अपर लिमिट ऑफ क्लास या फिर लोअर लिमिट ऑफ क्लास, मतलब ऊंचाई की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होना चाहिए, इसमें होना चाहिए अपर लिमिट ऑफ क्लास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या दिया गया, एक रचनात्मक कक्षा में शिक्षकों को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए, यहाँ पे करना चाहिए नहीं पूछा गया, क्या पूछा गया, क्या नहीं करना चाहिए, तो इसमें आप ऑप्शंस पढ़िए, इसमें क्या दिया, विद्यार्थियों को प्रश्नों के हल ढूंढने के लिए अपनी नीतियाँ विकसित करने देना, विद्यार्थियों को सूत्र रटने के लिए कहना, ऐसी परिस्थितियां बनाना जिसमें विद्यार्थी हल खोजने में प्रवृत्त हों, विद्यार्थियों को गणितीय साधनों से अपने अर्थ बनाने देना, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, विद्यार्थियों को सूत्र रटने के लिए कहना। अब अगर 116 क्वेश्चन हम बात करते हैं, 116 क्वेश्चंस की, तो इसमें क्या दिया गया है, 2 कोटिपूरक कोणों का अंतर, हमने आपको ये भी पढ़ाया, अगर आपने हमारे वीडियोस देखे हैं तो आपको पता होगा कोटिपूरक कोण कौन से होते हैं, जिन दो कोणों का अंतर 90 होता है, जिन दो कोणों का जोड़ 90 होता है उन कोणों को हम क्या कहते हैं, कोटिपूरक कोण कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए सभी, अगर आप ऑप्शंस को चेक करेंगे तो 65 और 25, इन दोनों का अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 90, और इन दोनों का अंतर भी कितना है, 40, तो इसलिए इसका हमारा आंसर क्या होगा, 3rd। अब 117 क्वेश्चन देखिए, आपको एक नंबर दिया और बताना है इसको 12 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा, तो इसको जब हम भाग करेंगे तो इसका शेषफल कितना आएगा, 4 आएगा। अब 118 क्वेश्चन में क्या दिया, देखिए किसी विद्यार्थी में निम्न में से क्या आंकना चाहिए, गणितीय प्रक्षेपण, बिना समझे रटने की क्षमता, शिक्षक को सुनने की क्षमता, अवधारणा समझने पर भी प्रश्न ना पूछने की प्रवृत्ति, तो क्वेश्चन क्या आपसे, किसी विद्यार्थी में निम्न में क्या आंकना चाहिए, मतलब हमें एक अच्छे स्टूडेंट्स में क्या देखना चाहिए, तो देखिए गणितीय प्रक्षेपण तो इसका आंसर नहीं होना चाहिए, बिना समझे रटने की क्षमता भी इसका आंसर नहीं होगा, शिक्षक को सुनने की क्षमता ये आंसर सही होना चाहिए कि जो बच्चे टीचर्स को अच्छे से सुनते हैं उनके सभी डाउट्स क्लियर होते हैं। इसी तरीके से देखिए
क्या क्वेश्चन दिया, अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षण का अंतर क्या कहलाता है, द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड, तो इसको हम क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे। अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो फ्रेंड्स अभाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं, ये भी हमने आपको वीडियो एक दिया था, अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आप इसका आंसर लगा लेंगे। तो अभाज्य संख्या कौन सी संख्या होती है, वे संख्याएं जो एक से या खुद से विभाजित होती हैं। तो सबसे छोटी से छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, दो, क्योंकि दो या तो खुद से डिवाइड होती है या एक से। तो यह रहा आपके मैथ्स का पेपर का पूरा डिस्क्रिप्शन। थैंक यू फ्रेंड्स हमारा वीडियो देखने के लिए, और आप अपना एक बार पेपर चेक कर लीजिए। थैंक यू।